सबसे पहले दो साल पहले इन्होंने ही शुरुआत की इनके बच्चे ने कि आईएएस का एग्जाम निकाला। पूरी सेवानगर की तरफ से इनके पापा जी को और आजय जी को हमारी तरफ से मुबारकबाद। माता बहनों का आपका प्यार है इनके ऊपर, तभी ये बच्चे आगे निकल रहे हैं। शर्मा जी, उनके पापा जी मैंने अभी देखे यहाँ आते हुए, आज उसके मम्मी के साथ में उनको भी साथ में ले आए। ये भी कर सकते हैं, आने वाले टाइम में वो बच्चे भी आगे जा सकते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। वो कितने खुश नसीब होते हैं पेरेंट्स जिनका एक ही बेटा वो एमबीबीएस डॉक्टर और बेटी हो तो पीएस अफसर। साथ मंच के पास आए, इन्होंने अभी जेकेएस किया और आज तस्वीर भगवती और स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस वार्ड का सदस्य होने के नाते जो जिम्मेवारी आप लोगों ने मेरे को दी है, मैं अपनी तरफ से सर प्रथम तो जितने भी बच्चे जिन्होंने शिवानगर का यही बल्कि पूरे कठुआ और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया, मन सब बच्चों के माता पिता को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। और यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय जो है वो हमारे शिवानगर और पूरे कठुआ के जो बच्चे हैं, विशेषकर हमारे शिवानगर के बच्चे, और अच्छे इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जाती है या अन्य माध्यम से बच्चे शिवानगर का नाम रोशन करें। मैं आई हुए पेरेंट्स का सबका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही साथ जो ये 7 दिन की हमारी कथा चली है, विशेषकर मैं शास्त्री जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि शास्त्री जी महाराज समय निकाल कर हम सब श्रोताओं को, जितनी भी शिवानगर की माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, सबको उन्होंने अपनी अमृत वाणी से सबका जीवन धन्य किया है। मैं स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद हमेशा ही मैं बात करता हूँ कि हमारी शिवानगर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, सबसे जो ज़्यादा योगदान रहता है वो हमारी मातृशक्ति का, हमारी जो महिला मंडली है उनका योगदान रहता है। मैं अपनी तरफ से एक बार सभी माता बहनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और विशेषकर महिला मंडली का धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद हमारी शिव मंदिर कमेटी जो जो सारे इस कार्यक्रमों की भागदौड़ देखती है, हमारी शिव मंदिर कमेटी, मैं सभी कमेटियों के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर शिवानगर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कराते रहते हैं। हमारी जो सनातन की प्रथा है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य आप करते हैं, मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों का कोटि कोटि वंदनों धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद इस कमेटी में जो कथा के बाद हवन का और हमारे जितने भी जगह का, इसमें हलवाई लगे थे, इसमें बर्तन सेवा, बर्तन साफ करने में सेवा जो लगे थे, मैं सभी लोगों को उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो समय पे हमें प्रसाद देते हैं। उसके बाद लंगर हाल, पिछले वक्त भी जो सामने जहाँ पे लंगर लगता है, जिनके घर में लंगर लगता है, मैं सब उन घर वालों का धन्यवाद करता हूँ कि मैं बिना किसी रोक टोक के हमेशा ही हमें अपना घर दे देते हैं लंगर के लिए। उसके बाद विशेषकर जो सब लोगों तक, जन जन तक इससे जो स्वामी जी की आवाज़ पहुंचाने का कार्य मेरे मीडिया के बंधु करते हैं, मैं मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपनी तरफ से एक बार पूरा शिवानगर में जितने भी लोग यहां पे आए हैं और बाहर के भी लोग भी आए हैं, क्योंकि लंगर सेवा लगी थी, लंगर सेवा में बाहर के लोग भी, खासकर पटेल नगर के लोग भी इस लंगर सेवा में आए हैं, मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो कमेटी के प्रधान हैं, एक ऊपर हाल बनाने की व्यवस्था की जाए, जो हम उसको कम्युनिटी हाल भी कह सकते हैं, कि हमारी बारिश का मौसम, तो पहले भी इनकी बात करें ध्यान में आई थी, तो मैं आज